गुड मॉर्निंग विद्यार्थी, धोरण 6 विषय हिंदी पाठ 1 इतनी शक्ति हमें देना दाता। अब आपणे फरीथी पुनरावर्तनमां सवाल जवाब आपणे लईए छे। तो जुओ, मन का विश्वास कमजोर न होना ऐसे कवि क्यों कहते? लोग भगवान की शक्ति पर विश्वास करते, वे लोग मानते हैं कि भगवान दयालु है, सबका रक्षक है, भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आज दुनिया में अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, साधारण आदमी उन्हें रोकने असमर्थ है। इन अत्याचारों का अंत होता दिखाई नहीं देता। कवि भगवान से प्रार्थना करता है कि ऐसे समय में वे अपनी शक्ति का परिचय दे ताकि उनके प्रति लोगों विश्वास कम न हो। बीजो सवाल, धरती पर हर तरफ क्या है, क्यों है? धरती पर हर तरफ जुल्म और बेपसी है। हर आदमी डरा सा है। कोई ऐसी शक्ति दिखाई नहीं देती जो अत्याचारियों का सामना करे और उन्हें लोगों का सताने से रोके। त्रिजो, हम जगत में क्या अर्पण करना चाहते हैं, क्यों? हम जगत में सुख शांति और मैत्री भाव अर्पण करना चाहते हैं। आज जगत में बुराइयों बढ़ रही है, जीवन में सुख शांति का अभाव है। लोग एक दूसरे के शत्रु बन रहे हैं, वे एक दूसरे के बदला लेने के लिए तत्पर है। इसलिए इस अशांत और दुखी जगत को हम सुख शांति और प्रेम मैत्री अर्पण करना चाहते हैं। चौथा सवाल, हम सभी को क्या बांटना चाहते हैं, क्यों? हम सभी को खुशियों के फूल बांटना चाहते हैं। अपने आसपास लोगों को सुखी बनाना हमारा कर्तव्य है। उनको आनंदित देखकर हमें भी आनंद होना। उनके जीवन में कांटे होंगे तो उनके कांटों की चुम्बन हम भी महसूस करेंगे। इस दर्द से बचने के लिए हम उन सब को खुशियों के फूल बांटेंगे। पांचवा, सबका जीवन क्या बन जाए, मधुबन का भावार्थ बताइए। मधुबन का अर्थ है वह बगीचों में जिसमें सुंदर सुंदर खुशबूदार फूल खिलते हैं। हमें सबको खुशियों के फूल बांटने चाहिए। ये फूल पाकर लोगों को चेहरों पर उदासी नहीं रहेगी, उनका मन प्रसन्न से भर जाएंगे, वे आनंद और उल्लास का अनुभव करेंगे। इस प्रकार उनका जीवन सुखी बन जाएंगे। तो थैंक यू विद्यार्थियों, आ सवाल जवाब फरीथी मैं पाठ फरीथी लीधो छे, पुनरावर्तन कराऊ छू फरीथी सवाल जवाब। तो तमारे नोट में लखवाना छे अने मोढ़े पण करवा छे, सारा अक्षर लखवाना छे।